ये चुनाव के दौरान हम लोगों ने मोदी की गारंटी चुनावी घोषणा पत्र लाए, जिसमें सभी वर्गों का हित का चिंतन करते हुए मोदी की गारंटी बनाए हैं। और उसमें और चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भी आए छत्तीसगढ़, और उन्होंने कहा था कि यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसका सबसे पहला काम होगा कांग्रेस पार्टी के 5 साल के सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख मकानों से वंचित हो गए, उनका हक छीना गया, तो उनको उनका हक दिया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। और मुझे बताते हुए ये गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि पहले ही शपथ के दूसरे दिन ही कैबिनेट की बैठक में 18 लाख मकान की स्वीकृति हो, 18 लाख लोगों को उनका हक मिले, उनका पक्का का मकान मिले, इस पर निर्णय हम लोग पहले ही कैबिनेट के बैठक में ले लिए हैं और आने वाले समय उनको पक्का का मकान मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद से डटकर मुकाबला किया है। 15 वर्षों में भी यहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो स्थिति बदल गई। नक्सली लोग कहीं न कहते थे कि अब तो हमारी सरकार आ गई, और नक्सलवाद से जो पिछली सरकार थी उसकी लड़ाई बहुत कमजोर थी, अब वो हमारी सरकार फिर से आ गई है तो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और अब नक्सली से बौखला गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आई है तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई तगड़ी होगी, एक्शन होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।